तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीसी के अंदर बिलर बिल की पेमेंट कैसे होती है, रिसीव, कॉन्ट्रा, जनरल, इनके बारे में सबकी डिस्कस करेंगे। याद रखना आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मेन पेमेंट से लेन देन से रिलेटेड है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उससे रिगार्डिंग कुछ चीज़ें को समझेंगे। तो देखिए मेरे पास एक कंपनी को मैं ओपन करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर आगे का अपना प्रोसेस। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई और मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, पहले परचेज करता हूँ और फिर सेल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ परचेज पे गया और मैंने एक पार्टी से एक तारीख को बिल नंबर 456 और पार्टी का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया। ग्रुप में आपको पता ही कौन होते सिंडिकेट, ये वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं, जिनको हमें पैसा देना होता है। किसी को पता ही कहाँ इफेक्ट करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट करते हैं। ये हमारे वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना होता है। जब पैसा देने की बात आती है तो लाइबिलिटी वर्ड यूज करते हैं अकाउंट के अंदर। जैसे सबके कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वर्ड मीनिंग होते हैं कि आप हेलो का मतलब ये होता है, हाई का मतलब, ऐसे अकाउंट्स में भी एक सिंडिकेट का मतलब होता है देनदारी। किसके अंदर आता है, अगर बिल्कुल मॉडिफाई करूँ ओल्ड प्लस एम करूँ तो आप देख सकते हैं किसका पार्ट है, करंट लाइबिलिटी का पार्ट। लाइबिलिटीज कौन सी होती है? हमारी देनदारी है, जिसे हम दायित्व बोलते हैं, हमें पैसा पे करना है उसको, क्लियर। ये हमारा होता है, ये हमको बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी के अंदर इफेक्ट मारेगा। किसके अंदर मारेगा? बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटी। देखिए अब सबसे पहले आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं सिखाया हुआ जिसके नीचे लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। इस टॉपिक का मतलब है कि इससे कितने दिन की उधारी में आज हम लोग काम करेंगे। तो मैंने बोला इससे हमारी 5 दिन की उधारी है। कितने दिन की उधारी है इससे? 5 दिन की हमारी उधारी है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया क्रेडिट डेज फॉर परचेज, परचेज के लिए यहाँ पर, सेल के लिए आपको यहाँ पर करना और इस बिल को सेव कर। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के देनी एक एक चीज़ें, ठीक है। और तो मैंने इस बिल को पूरे को सेव कर दिया। देन क्या आइटम खरीदी? तो मैंने कोई भी आइटम खरीदी, मैंने बोला कॉपी 10 1000 पीस खरीदी है, कॉपी 2 500 पीस खरीदी और मैंने इस बिल को सेव करा। उसके बाद माल आया तो उसके अंदर हमारा फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज आया। फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग क्या होता है? ये माल आने का खर्चा होता है कि जो माल पे लगा है। जैसे कभी माल आता है तो क्या ओनर उठ के तो जाएगा नहीं कि कंधे से उठा के अपनी गोदाम में रख देगा? नहीं, उसके यहाँ रोल वाले होंगे, रिक्शे वाले या लेबर जो भी होगी जो उठाएगी, जो उसका चार्ज देगी, उसको हम फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्ज बोलते हैं, पैकिंग चार्ज बोलते हैं या जो अलग यूज करता है कोई लेबर चार्ज इसको बोलता है। तो अब एक्चुअली बिल कितने का बन गया हमारा? बिल हो गया 65,000। वो इस बिल को हमने सेव कर दिया। जब मैं इस बिल को सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पर सेव करते वक्त एक क्या रेफरेंस आया है, एक रेफरेंस आया जिसको बोला है इसने बिल बाय बिल बैलेंसिंग एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है दीपक। एंड देन बिल नंबर, न्यू रेफरेंस क्या बना? 465। पेमेंट नंबर, बिल रेफरेंस कितना हो गया? 456। कितने की पेमेंट? 65,000 रुपये की। ड्यू डेट कितनी हो गई? 6/4/2014। खरीदा कब माल था इससे? 1/4 को माल खरीदा था। 5 दिन की उधारी हो गई तो कितनी हो गई? कितनी होगी उधारी? 6/4 हो गई। एंड देन मैंने इस बिल को सेव कर दिया, क्लियर। इस बिल को सेव कर दिया। ऐसे ही मैंने 5 तारीख को इसको उधार माल खरीदा, बिल नंबर मैंने इस पर कुछ और डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इससे कॉपी 7 खरीदी, 8 600 पीस, कॉपी 9 क्या हुआ? F9 कर दो, 500, ठीक है। और देन बिल कितने का बना हमारा? 44,000। अब मैं इसको सेव करूँगा तो वही बॉबो आएगा जिसका न्यू रेफरेंस बन गया, बिल नंबर ये हो गया और ये हमारा हो गया। इस टॉपिक को मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। दो परचेज होगी, एक दीपक 9 तारीख को हमने परचेज करी, बिल नंबर हमने ये डाल दिया, इससे दीपक से खरीदी हमने। देन इसके बाद हमने इसके अंदर और मैंने इस बिल को सेव कर दिया, बिल सेव हो गया हमारा। उसके बाद बिल 10 कॉपी, फिर ठीक है, एंड देन कॉपी 9 500, कॉपी 4 300, एंड देन मैंने इसको सेव कर दिया। तो कितनी बिल पेमेंट होगी? 4।
अब इसकी ये मुझे पेमेंट देना है 8 तारीख को। कब पेमेंट देने आया है मुझे? 8 तारीख को। माल तो लेता जा रहा था कंटिन्यू, 8 तारीख को पेमेंट देने आया। जब पैसा देने, अब हमने इसको पैसा देना है 8 तारीख, क्योंकि हमने परचेज किया तो हम इसको पैसा पे करेंगे। पैसा कब पे करेंगे हम उसको? 8 तारीख को। तो कहाँ गए हम लोग? पेमेंट्स के अंदर आए, ठीक है, आज। लेकिन पेमेंट से पहले मुझसे ओनर ने क्वेश्चन पुटअप करा कि अभी हमारे उस बिल, उस पार्टी को कितने बिल अभी ड्यू हो गए जो हमें उसको पैसे देने हैं? कोई बिल तो ड्यू होंगे, हमें 8 तारीख को पैसा उसको देना है, दे रहे हैं। तो पूछा कि उस दौरान कौन कौन से बिल ड्यू हो चुके हैं जिसकी हमें पेमेंट अभी करनी है, हमें पता तो होना चाहिए। तो उसकी रिपोर्ट कहाँ से देखो? उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगा डिस्प्ले में, और आएंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब आप सभी जानते हैं ना क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया या रुका हुआ। कहते हैं ना अभी आउटस्टैंडिंग चल रही है सैलरी, किसी को सैलरी नहीं मिली, अभी आउटस्टैंडिंग है हमारी, ठीक है। तो कहाँ से आएगी आउटस्टैंडिंग? जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो तो देखो सारे टॉपिक पढ़ो, अमाउंट रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, क्लियर। अमाउंट पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स वाइज समरी, ठीक है, बिल्स वाइज स्टेटमेंट और बिल रेफरेंस है। पहले आता है अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल हम जिससे पैसा लेना है। अभी हमने माल किसी को बेचा है? नहीं बेचा, तो पैसा भी तो आएगा नहीं। तो हमने कहा कि उन लोगों को देखना जिसके अंदर खाली हमें पैसा नहीं। तो उसके अंदर आया अमाउंट पेबल, किसको पैसा पे करना है। तो मैंने यहाँ पर गया, इसने पूछा ऑल अकाउंट, मैंने कहा बिल्कुल सभी अकाउंटों को देना जिनको पैसा पे करना है, ठीक है रोहित। और मैंने इस पर एंटर मारा, तो इसके अंदर पूछा कि कौन कब तक की देखना है। तो मैंने बोला 8 तारीख तक का पैसा देखना है जिसका पैसा ड्यू होगा। तो यहाँ पर 8 तारीख डाली, तो मुझे बताया है कि इसमें डीपलेक्स इसका बिल इतने का ड्यू हो चुका है। जैसे ही एंटर मारूंगा तो मुझे बताएगा दीपक के 2 बिल इसके अंदर ड्यू हो चुके हैं जिसके हमें इसको पैसा अभी देना है। ये कब ड्यू हुआ है? तो उसने बोला 1 5 तारीख का था, 5 दिन की उधारी के मतलब कितने दिन के बाद देना है हमें इसको? 5 दिन के बाद देना ना, 5 दिन। तो 1 तारीख को हमारा खरीदा है ना, 6 तारीख को हो जाएगा, और फिर 5 तारीख वाला हमें 10 तारीख को देना। लेकिन ठीक है, ये हमारा ड्यू हो गया, क्लियर। लेकिन सर इसमें तो ड्यू तो मतलब एक ही बिल हुआ, अब इसमें 2 बिल क्यों दिख रहे हैं? ड्यू कितने हुए आपके हिसाब से? कैसे दो हो गए? तो देख स्टेटमेंट कब रहा है, 8 तारीख से देख रहे हैं ना स्टेटमेंट। दानिश स्टेटमेंट कब तक देख रहे हैं? और बिल कितना ड्यू होना चाहिए था उसके हिसाब से? 1 होना चाहिए था ना, 1 वाला। 5 वाला कब ड्यू होगा दीपक? 10 तारीख को ड्यू होगा ना। तो यहाँ पर 2 बिल क्यों आ रहे हैं? ये खाली पेबल बता रहा है कि इतना पैसा हमें पे करना है। वही देख रहे हैं मोहित, ध्यान से बहुत हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये कौन सी चीज़ बता रहा है? ये बता रहा है जितना हमें पैसा पे करना है। दानिश खड़े हो जाना यार, कुछ व्यवस्था करूँगा थोड़ी सी, रुकना आप लोग, देखूँगा इसके लिए भी कुछ। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक है, तो अब इसके अंदर हम यहाँ ये हमारा क्वेश्चन रिजोल्व नहीं हो पा रहा है। मोहित आप देर से आए तो आपको बता दो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। आपको पता है कि जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके यहाँ ऐसा तो काम होता ही नहीं है कि हम बिल गए ख़त्म हो गया। कुछ दिन की उधारी पे हम लोग माल खरीदते तो हमें पैसा देना होता है, उस तरह की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें। जैसे हमने एक दीपक है, इससे हमने एक माल खरीदा, कब? 1 तारीख को माल खरीदा। जैसे ही मैंने इसको माल खरीदा ना, तो उसके अंदर मैंने इस टॉपिक को अनेबल किया जिस टॉपिक का नाम है बिल बाय बिल बैलेंस। क्या टॉपिक का नाम है? बिल बाय बिल बैलेंस। इस टॉपिक का मतलब है कि उससे उधारी में आपको कितने दिन की ट्रांजेक्शन करनी। तो मैंने बोला दीपक से जिस दिन माल खरीदूंगा उसके 5 दिन में मुझे दीपक को पेमेंट करनी है। तो देखो जैसे ही मैंने इस बिल को पेमेंट सेव करा तो उसने बताया कि जो आपने दीपक से 1 तारीख को माल खरीदा उसकी ड्यू डेट कब आ गई? 6 तारीख। ऐसे ही मैंने दीपक से 5 तारीख को खरीदा तो इससे मुझे बताया इसकी ड्यू डेट कितनी आ गई? 10 तारीख। अपने आप उठाता है तो हमने उसके अंदर ही डाला, पार्टी के अंदर ही डाला, होल प्लस एम नहीं करा आपने, यहाँ देखा नहीं आपने? क्लियर, आगे समझ में? अब हम इसकी पेमेंट करने गए। पेमेंट करने से पहले ओनर ने कहा कि मुझे 8 तारीख को बता, इसका 8 तारीख तक बता कौन से बिल ड्यू हो गए। जो ड्यू हो उसकी पेमेंट करेंगे हम लोग। तो हम लोगों को कहाँ जानना पड़ेगा? तो आउटस्टैंडिंग के अंदर हम कहेंगे डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो रुका हुआ है, बकाया। इसके अंदर एक अमाउंट रिसीवेबल, मतलब इससे हमें पैसा लेना है। बिल्स रिसीवेबल, बिल के हिसाब से लेना है। ऐसे पेबल, इसको मैं पैसा देने एक बिल के हिसाब से पे करूँगा। देन मैंने अभी क्या देखा? अमाउंट रिसीवेबल। तो मैंने बोला मुझे कब पेमेंट करनी है? 8 तारीख। तो मैंने यहाँ कितने डाल दी? 8 4। जैसे मैंने 8 4 डाली तो इसका दीपक का बिल बता रहा है कि उस दिन कितने पैसे दीपक को पे करने हैं? 1,09,000। लेकिन अगर मैं दीपक का ओल्ड प्लस एल करूँ, क्या करूँ? ओल्ड प्लस एल करूँ और दीपक का लेजर चेक करूँ, दीपक के एक्चुअल में देने कितने पैसे हैं? दीपक के हमें देने 2,29,000 देने टोटल। लेकिन
हाँ तो हमें तो ऑल टाइम लिए ना वो, फिर हमें तो पूरा सिलेक्ट करा, एक चार से लेके 11 चार तक का सिलेक्ट करा, लेकिन उसके अंदर डाला कितना था, 8 तक का, तो 8 तक दिखाएगा ना। हाँ समझा नहीं तू, अभी हमने स्टेटमेंट कब तक की निकाली है, तो एक 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 चार में कितने बिल कटे, चार कटे, लेजर देख रहे, लेजर की बात कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट पेबल जब हमने देखा तो सर इसके अंदर दो बिल क्यों दिखाए, दो बिल इसलिए दिखाने क्योंकि हमने डेट कम सिलेक्ट करी, हमने आगे की डेट पे गए नहीं। अब वही जैसे मैंने कहा इस महीने की सेल बताओ, तुम इस महीने की बताओगे या उसके दो दो चार दिन के बाद की सेल ही बताओगे, नहीं बताओगे ना, महीने की बताओगे ना, वो हिसाब है। लेकिन हमें सर ड्यू बिल चाहिए, हमें ये बिल नहीं देखना, हमें ये बिल नहीं देखना, कौन से बिल देखना है, ड्यू बिल। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम बिल बिल्स पेबल में कहाँ आएंगे, हम लोग बिल्स पेबल, देन वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, चार्ज लिख रहा हूँ, चार्ज लिख रहा हूँ। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल अकाउंट, सिलेक्ट अकाउंट या सिलेक्ट ग्रुप अकाउंट, इसमें से आप लोगों को कौन सा मतलब नहीं पता है। वन अकाउंट का मतलब जानते हो, एक की बात हो गई, ग्रुप ऑफ अकाउंट जैसे आप पार्टी बनाते हो उसके अंदर सिंडिकेटर डालते हो, डेबिटर डालते हो, वो डालते हो, अगर आपको पूरे ग्रुप के हिसाब से देखना तो क्या लोगे इसमें अंदर, ग्रुप ऑफ अकाउंट, ऑल आइटम, ऑल अकाउंट करोगे सारे डेटस क्रेटस वो एक्सपेंस में सब आएंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, वन अकाउंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन अकाउंट, देन किसका चाहिए, दीपक का। अब इसमें एक पेंडिंग होता है, एक ड्यू होता है, एक होता है ऑल। पेंडिंग का मतलब जानते हो, पेंडिंग और ड्यू में क्या अंतर है, पेंडिंग का मतलब जैसे 1 तारीख को बिल कटा है उसकी ड्यू डेट 5 तारीख तक, तो उसके बीच की जो डेट होंगे वो पेंडिंग है, और जैसी आगे जाएगा 6 तारीख को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्यू डेट, पेंडिंग जैसे बिल कटा वो पेंडिंग, एंड देन ड्यू डेट हो गई तो वो ड्यू डेट। हमने कहा पेंडिंग, हमने कहा ड्यू देखना है, कौन से 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक के बिल कौन से ड्यू हो गए, तो यहाँ पर बिल स्टेटस के अंदर मैंने कितना डाल दिया, 8 तारीख। तो देखो मुझे इसने बताया कि एक बिल ड्यू है जिसकी हमारी 2 दिन की लेट पेमेंट होगी। यहाँ पर देखो सबसे पहले बिल रेफरेंस नंबर, परचेज डेट, अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट और नंबर ऑफ डेज कितने लेट, हाँ तो उसके लिए बताऊंगा। एक टॉपिक होता है F4 कि जिसके अकाउंट में आप इंटरेस्ट की एंट्री दे सकते हो, मैं समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर, 2 दिन की एक्स्ट्रा हो गए, क्लियर हो गया, यहाँ से आप लोग निकाल सकते, निकल जाएगी रिपोर्ट, किसी को इशू तो नहीं है। अब उसने कहा कि चलो अब 11 तारीख की बताओ, 11 तारीख तक कौन से बिल ड्यू है, तो मैंने यहाँ पर 11 तारीख सेलेक्ट करी, 1 तारीख से लेके कब तक की बात मांगी उसने, 11 चार, मैंने यहाँ पर 11 चार डाला। देखो कौन कौन से बिल ड्यू हैं इसके, 2 बिल, एक में तो 5 दिन की एक्स्ट्रा डेज हो गए और एक में 1 दिन एक्स्ट्रा हो गए, क्लियर। अब उसने पेमेंट कब करने को बोली, पेमेंट बोली हमसे 8 तारीख, तो पेमेंट में गए और यहाँ पर क्या डाल लिया हमने, डी, 8 तारीख ली। डी के मैंने 3 मतलब बताए, जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट होता है, हमारे सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और जो वस्तु आती है वो भी डेबिट होती है। तो अब पैसा किसको मिल रहा है, दीपक, तो अब हमने क्या नाम डाला, दीपक, कितना पैसा देंगे दीपक को, 65,000 रुपये एक बिल का, तो मैंने 65,000 डाल दिया, ठीक है, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश तो कैश। और नरेशन में कुछ भी कमेंट डालना है तो आप यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एंड देन आप इसको सेव करेंगे तो आप कैश पॉप, पहले तो पॉप आया कैश नेगेटिव, कंपनी में पैसा आया नहीं हो तो आप पेमेंट कैसे कर रहे, तो मैंने इसको यस करा, तो देन एक पॉपअप आया कि कौन से बिल के आप पेमेंट करो, जैसे मैंने इंटर मारा और एडजस्टमेंट करा तो जितने इसके बिल थे सारे मेरी स्क्रीन पे आ गए, तो मुझे बता रहा है किसकी ड्यू डेट कब की थी, 6 तारीख वाली, तो मैंने किसकी पेमेंट करनी है, 6 तारीख वाली, और मैंने इसको सेव कर दिया, क्लियर। अब उसने कहा कि बता कि किसकी कौन कौन से बिल की आपने पेमेंट कर चुके हो, तो आप कहाँ जाओगे, बिल वाइज समरी के अंदर आओगे, वन अकाउंट, देन दीपक को सिलेक्ट करोगे, ऑल करोगे,
तो आपने किसकी पेमेंट करी है, अभी ये बिल की पेमेंट करना बाकी है। जैसे आप इंटर मारोगे तो उसका अकाउंट लेजर खुल जाएगा, अकाउंट लेजर नहीं हमें बिल्स पेएबल देख, तो उसके ये तीन बिल अभी बाकी है। ठीक है, अब पे करने की बात आएगी, हमने कौन से बिल पे कर दिए, तो कहाँ जाएंगे बिल्स वाइज स्टेटमेंट पे आएंगे, देन दीपक को सिलेक्ट करेंगे एंड जैसे यहाँ से 8 तारीख ले लेंगे, 8 तारीख की बात करिए ना, हमें ऑल देख लेते हैं। ठीक है ना, डेट का विशेषकर आप लोग ध्यान देंगे कि उसने बोला 10 तारीख तक, तो एंडिंग डेट 10 होगी। स्टार्टिंग डेट सुनिए ध्यान से एंड देन एंडिंग डेट ध्यान से सुनिए, क्योंकि रिजल्ट उसके बीच में आता है। कभी कभी मैं भी थोड़ा फास्टली काम करता हूँ, गलती के चांसेस हो जाते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे, ये बहुत बार होता है। हम लोग अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए गलती ज़्यादा करते हैं, गलती होती है तो उसको रीचेक नहीं करते, पहली पुटअप करते सर ये गलती है, कहता सामने वाला भाई तू चेक कर ले कि तेरी इसमें गलती क्या, आपके में गलती, बाद में चलता आपकी डाटा में गलती है, ऐसा मत करना, आराम से करना स्मूथली। तो इसने बताया कि जो पहला बिल है उसके ना ही पैसा लेना है, उसको ना ही पैसा देना है, क्या है उसकी 0 एंट्री, लेकिन बाकी सभी के 40,000, 52,000 और 68,000 रुपये की हमें पेमेंट को पे करना। नंबर ऑफ टोटल पेमेंट कितनी है, 1,64,000। क्लियर है, कोई इश्यूज के अंदर, ड्यू डेट निकल गई, यहाँ से हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल वाइज रेफरेंस डिटेल। ये रेफरेंस होता है कि मैंने कहा मुझे एक बिल नंबर जिसका पहले 456 नंबर बिल लेता है, देखो मुझे बताएगा किस नंबर की इस तारीख को माल खरीदा और इस तारीख को हमने पेमेंट करी जिसकी रिलेशन नहीं है। क्लियर है, आगे अब सर ने बोला 13 तारीख को पेमेंट करो, सर ने बोला 1,00,000 रुपये की पेमेंट करो, होगी सेल भी होगी, पीछे 3 सेल और होगी। अब सर ने मुझसे बोला कि 13 तारीख को पेमेंट करो, क्या करो 13 तारीख को पेमेंट करो 1,00,000। उन्होंने मुझे बताया नहीं कौन कौन की बिल, जब मैंने बिल को सेव करने गए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दीपक कितना 1,00,000 रुपये और कितना कैश में। जैसे ही मैंने बिल को सेव कर दिया यहाँ पर पॉपअप आया, तो इसने पूछा कौन से बिल की पेमेंट, तो मैंने बोला 44,000 रुपये तो 10 तारीख को जो ड्यू डेट हुआ उसको दे रहा हूँ, फिर किसकी दे रहा हूँ जो 14 तारीख को ड्यू है उसमें कितना पैसा दे रहा हूँ, 56,000 आ गया। ठीक है, क्लियर, 4,000 रुपये ले गए। मैंने कहा जो 4,000 रुपये लूँगा ना जो अगली बार माल लेने आऊँगा ना उसमें आप जोड़ दें, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया न्यू रेफरेंस को क्रिएट करा, उसका रेफरेंस नंबर डाल दिया। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा आप 99,100 रेफरेंस डाल दिया, तो कितना पैसा लग गया 4,000 रुपये में आपका रेफरेंस। ठीक है, ये न्यू रेफरेंस बन गया, मतलब इस 1,00,000 जो पेमेंट कर रहा हूँ 2 बिल तो चुका दिए और 4,000 रुपये अलग से रेफरेंस जनरेट कर दिया एंड देन मैंने उसको सेव कर दिया। क्लियर, फिर मैं 13 तारीख को, देखो समझ नहीं आता स्टॉप कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टमर इस पर ही डिपेंड है पूरे। मैंने उस दिन भी कहा है सीखना है तो एक टॉपिक सीख के जाना, लेकिन वो अच्छा होगी सर बोली क्या करना है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, एक करो 6 महीने सीखोगे 180 दिन है तो 180 टॉपिक तुम्हारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, और नहीं ये नहीं कि एक दिन में एक ही होगा, 2 भी हो जाएंगे तो 200 टॉपिक का मतलब आप 20 दिन में काफ़ी अच्छी चीज़ें जान सकते हैं। देन अब कितना बिल नंबर था वो, नहीं जो अभी बनाया था नया 99,100। ठीक है, दीपक का नाम, देन यहाँ पर ये, और कितनी पेमेंट मैंने बोला 100 क्वांटिटी 4,000 रुपये। जैसे मैं सेव करूंगा तो पूछेगा न्यू रेफरेंस, मैंने कहा नहीं भाई जो एडजस्ट हुआ था कौन सा 4,000 वाला, अब ये भी बराबर समझ गए। अब उसने कहा भाई इसकी डिटेल दे दे पूरी, इसकी दीपक की ना बिल वाइज मुझे पूरी समझ नहीं आ रही, मतलब खत्म हो गए 4,000। अब यहाँ पर देखो बिल वाइज के अंदर जाके आप देख सकते हो, आप बिल वाइज पूरी स्टेटमेंट आप दीपक की यहाँ से इजीली शो कर सकते। ठीक है, एक बिल इसका रह गया कितने का 68,000 रुपये का, जिसके अपने पेमेंट अभी नहीं करी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग के अंदर हम लोग क्या सीखा हमने कि किस तरीके से किसी के रिसीवेबल, जिससे पैसा लेना है, ठीक है लेना है तो रिसीवेबल, और एक होता है बिल्स रिसीवेबल, जो बिल के हिसाब से देखना है उसके अंदर किसकी बात करेंगे हम लोग, बिल्स रिसीवेबल्स की, ऐसे ही होता है अमाउंट पेबल, जो अमाउंट खाली पे करना हुआ एक होता है बिल्स पेबल, मतलब बिल के हिसाब से पे करना। बिल्स की बात समझ में आ गई, कौन से बिल की बात है, जो वाउचर नंबर था जो उसका रेफरेंस नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लो आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर दीपक सर नहीं, देन न्यू कंपनी क्रिएट करनी है, इधर आओ इसको बंद करो, इसको पेज पलटो,
पेज पर तो इसके बाद ये कंपनी बनानी, न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। कोई भी नाम था? हाँ कोई भी नाम, 15-20 मिनट में कर देंगे। क्लियर है? आगे समझ में हो गया टॉपिक? तो आपको समझ में आ गई बिल वाइज की पेंडिंग डिटेल निकालना, आउटस्टैंडिंग मिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्टली काम कस्टमर कहता है भाई आउटस्टैंडिंग मिला लेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। क्लियर? देन तो पेमेंट सभी को करनी आ गई। बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेमेंट करोगे तो उसमें आपको एक चीज़ सोच के चलना। अब आता है एक्सपेंस, जितने भी खर्चे की एंट्री करनी हो कहाँ से करनी है? पेमेंट्स। देखो जब भी करो तो शॉर्टकट से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई आज पहली बार बीजी सॉफ्टवेयर में काम करने गया तो वो डबल अकाउंटिंग रखे ना तो ज़्यादा अच्छा। डबल अकाउंटिंग क्या होती है सर? डबल अकाउंटिंग होते दोनों तरफ इफेक्ट करती है। जो आप ये सीख रहे हो कौन सी है? डबल अकाउंटिंग बोलते हैं इसको। बोलते क्या? एक चीज़ डेबिट होगी दूसरी क्रेडिट होगी। जैसे एक तराजू समझ लीजिए, एक किलो का सामान इधर है तो एक किलो का सामान इधर होना चाहिए। अगर एक किलो का सामान इधर रख दो तो छोड़ दो, ऐसे ऊपर चला जाएगा, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, बराबर। तो क्या है? डबल अकाउंटिंग। लेकिन जब आपको फर्स्ट टाइम किसी के यहाँ जॉब करने का, आपको ऐसा मौका मिला है कि मैं इस टॉपिक को डिसेबल कर दूँ, डबल अकाउंटिंग करूँ ही ना, तो आप लोग कंट्रोल एफ करके फीचर ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा डेबिट एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम टॉपिक स्टार्ट टिक हटा देंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। अगर एक एंट्री भी आपने कर दी होगी तो एटलीस्ट ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैंने बोला अगर आपको मौका मिलता है तब। डू नॉट कॉपी एनीथिंग कर दो, अभी समझाता हूँ वीडियो। ये अगर मौका मिलता है तब, बहुत से कस्टमर को नहीं मिलता, मुझे मिला था, मैंने करा था। उसमें टिक हटा दो तो सिंगल एंट्री हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं। बस ऊपर पार्टी का मोड सेलेक्ट कीजिए, देन हो जाए। मैं करके दिखाऊँ उन लोगों को, एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। नहीं तो ओल्ड डी कर देता हूँ, ठीक है। वाउचर के अंदर जाता हूँ, ओल्ड डी से क्या होता है किसी भी वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। देन आप लोग मत करिएगा, मुझसे करवा लीजिएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। आप लोग कर दोगे ना तो फिर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या खाली डिलीट करनी है? पेमेंट्स और रिसीव। और मैंने इसको ओके करा तो मेरी सारी एंट्री डिलीट होगी। हो गई सारी एंट्री डिलीट। उसके बाद आपने कंट्रोल एफ फीचर ऑप्शन अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे टॉपिक आपका अनेबल होगा, जिसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। इस टॉपिक से मैंने टिक हटाया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप जो हम एंट्री करेंगे वो सिंपल होगी। सबसे पहले तारीख सेलेक्ट करनी है, मोड सेलेक्ट करना है, एंड देन क्या चीज़ें वो डालती जाइए। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, एंड देन मैं इसको सेव कर दिया, खत्म। और सेव कर दो, काम खत्म। क्लियर है? आगे समझ में? तो अभी हम लोग इस टॉपिक को सारे को डिसेबल करते हैं, क्योंकि हम लोगों के मोस्टली रियल केसेस में इसको करने को मिलता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आगे सीखते हैं। देन कंट्रोल है फीचर ऑप्शन से डबल अकाउंटिंग सिस्टम को मैं ओपन करता हूँ। क्लियर है? तो पेमेंट के अंदर हम किसकी एंट्री करेंगे? सारे खर्चों की। जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो उसकी एंट्री हम कहाँ से करेंगे? उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट से करेंगे। क्लियर है? कोई इशू किसी को इसमें से? आगे समझ में? ठीक है। जितनी भी पेमेंट, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक से हो, कहाँ से एंट्री करेंगे? पेमेंट से। क्लियर? कोई इशू इसके? रिसीव की एंट्री कब करेंगे? जब पैसा आएगा। आपको कभी नहीं सोचना, बस आपको हमेशा याद रखना पैसा आएगा तो उसका नाम ऊपर डालना है, और पैसा जाएगा तो उसका नाम नीचे डालना। देखो बीजी क्या करता है, डी ओ सी को अपने आप ही कन्वर्ट कर दे, क्या करता है? ऊपर नीचे कर दे। जब आप रिसीव कर पेमेंट कर दो डी ऊपर होता है, और जब आप रिसीव कर दो आपका सी ऊपर आ जाता है और डी नीचे आता है। क्योंकि मैं डी कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना टाइम बताने के लिए अपने माइंड को सेटअप कर चुके हैं कि हमें तो बस ऊपर पार्टी का नाम डालना, नीचे कैश या बैंक डाल के एंट्री को सेव करना। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे तो चेक नंबर उसका भी और अपना भी लिखना जरूरी है। अगर वो आपको चेक नंबर देगा तो उसका चेक नंबर डालना जरूरी है। आप किसी को चेक दोगे तो उसका चेक नंबर पेमेंट में डालना जरूरी है। उससे आपको रिकंसिलेशन करना और जजमेंट करना इजीली रहेगा। अगर किसी ने हमें चेक दिया क्यों बनाएंगे? तुम्हारा आईसीआई में अकाउंट है, उसने तुम्हें एसबीआई का दिया है, तो
तो आप अपने ICICI में डालोगे, SBI अकाउंट नहीं बनाओ, समझ गए दीपक? क्वेश्चन ये है कि सर ये आप दीपक, आप एक पार्टी हो, मेरे पास ICICI का बैंक है, आप स्टेट बैंक का चेक लेके आए हो मेरे पास, सर ये चेक लो, तो क्या मैं स्टेट बैंक का अकाउंट खुलाऊँ? नहीं, मैं अपने ICICI में डाल के उसमें डाल के छोड़ दूँगा, बैंक अपने आप ही जो भी करना है अपने बीच में जो टाइम है वो करेगा। कॉन्ट्रा में नहीं करेंगे क्योंकि पार्टी वर्ड साथ में नहीं आया। मैं जैड ने मुझे PNB, मेरा बैंक अकाउंट क्या नाम है? PNB। ग्रुप में बैंक अकाउंट, लेकिन जब हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं ना तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस हो, जैसे मैंने बोला इसका बैंक अकाउंट का 40,000 रुपये क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है, जिस दिन मैं आज अकाउंट को बनाना उससे पहले कितना बैलेंस है? 40,000 रुपये। जैसे मैं 40,000 रुपये सेव करूँगा, ठीक है, वो टॉपिक नहीं आज मैं बताने वाला था, क्लियर है? आ गया, दिया क्या कितने का बैंक है मुझे? SBI का दिया ना, मैं डाल दूंगा SBI और चेक नंबर, क्लियर हो गया। देखो दो तीन मोड होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, जैसे होता है RTGS जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मैं आपको 10 बार बुलाऊंगा ताकि आप लोगों को पता हो जाए, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसे आप लोग सभी एक बार 10-10 बार अपने मुंह से बोल दीजिए, फटाफट बोलिए आप लोग, दस बार मुझे सुनाई नहीं है, गिनती की आप लोग 10 बार बोल दीजिए, इसको और टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। बस क्राइटेरिया पता है, क्राइटेरिया पता है इसका, अगर कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में 3 लाख से ऊपर की करता है तो उसके लिए RTGS होता है। क्या होता है? RTGS। 3 लाख के बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती है तो RTGS यूज़ करते हैं। एक होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, 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 ये 3 लाख से नीचे की ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है NEFT। क्लियर है? अब हमें पार्टी दे या हम पार्टी को करें, एंट्री रिसीव और पेमेंट का ही यूज़ करना है। क्लियर है? दोनों समझ में आ गई? RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रिक, वो आप मुझे बताएं, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफर, आगे समझ में क्लियर है? 3 लाख RTGS अबव एंड देन लेस देन 3 लाख, क्या चीज़ फुल फॉर्म बोलना, बोले एक बार ट्राई करो, कोई नहीं बोलना, NEFT ठीक है, क्लियर है? अभी सुन लो, मुझे पार्टी ने 1 लाख रुपए की NFT करवाई है, मुझे पार्टी ने करवाई मेरी कंपनी में, तो क्या मारेंगे, रिसीव मारेंगे, पेमेंट मारेंगे, कॉन्ट्रा मारेंगे? किसी पार्टी ने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए की NFT करवाई, रिसीव, रिसीव है, किसी भी पड़ी है, पार्टी का वर्ड साथ में आ गया है, कॉन्ट्रा पे क्यों जा रहे हो आप लोग यार? पार्टी का नाम नहीं डालेगा, पार्टी का बैलेंस कम नहीं करेगा, बता क्या एंट्री करेगा? अगर कॉन्ट्रा में करने जाऊँ तो SBI से मेरे पास चेक आया तो मैं आप SBI का अकाउंट बनाऊंगा, नीचे पेन भी डालूंगा, पार्टी का बैलेंस कम करना है ना, वर्ड किसकी बात हुई है? पार्टी की बात हुई है ना, तो पार्टी का जब नाम जुड़ गया तो रिसीव और पेमेंट कभी नहीं सोचना। दूसरी चीज, पहली बार बोलते चलाऊ, आप अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस के नजरिए सोचोगे, ओनर के नजरिए से बिल्कुल नहीं सोचोगे, पैसा आएगा तो रिसीव, पैसा जाएगा तो पेमेंट, सिंपल सा रूल फॉलो करना है, ये बार बार बोलता जा रहा हूँ।
जब मैं बोलूंगा कि मैं एटीएम की लाइन में लगा था 2000 रुपए निकालें तब कॉन्ट्रा मारेंगे, मैंने बैंक में जाकर 50 लाख रुपए कैश में डाल दिए कॉन्ट्रा मारेंगे। जब कैश फॉरवर्ड बैंक साथ में आ जाएगा तो आपको कॉन्ट्रा मारना कहीं जाना ही नहीं है, कितनी बार बता चुका हूँ। आगे समझ में? अब किसको रिसीव और पेमेंट में डाउट है, शॉर्टकट F5 है पेमेंट की और रिसीव की शॉर्टकट F6 है। जिसके सामने काम करना है इंप्रेशन दिखा के काम करना, नॉर्मल वे में काम नहीं करना। जब तक इंप्रेशन नहीं बनेगा सामने सोचेगा नहीं है। आप गए उस, आप पहले दिन आपने कहा रिसीव मारो, आप यहाँ खड़े हो, आप आ रहे हो इसके अंदर भाग भाग के, ऐसे काम करोगे, ऐसे काम करोगे? आपको पता है कि जब मैं सेल पे हूँ मैं R दबाऊंगा तो रिसीव पे पहुँच जाऊँगा, मुझे अगर मटेरियल इशू पे जाना तो मैं M दबा दूंगा। इन चीज़ों का यूज़ करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सामने वाला देखता क्या चीज़ें, किसके कीबोर्ड्स कैसे चल रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे, एक दिन जॉब बिजी सीखना है अगले दिन उनकी जॉब लग गई। दो रीज़न थे, एक तो उनके पास कीबोर्ड की नॉलेज अच्छी है, जाते ही कस्टमर से चार चीज़ें झूठ बोली, एक चीज़ पर टाइपिंग दिखा दी, बंदा कह दे कल से आ जा। अब तुम देख लो ना, तुम लोगों के पास टाइपिंग है और ना नॉलेज, दोनों चीज़, दोनों चीज़ों दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों का बहस बनना ये नहीं, मैं आया नहीं हूँ तो आप लोग एक दिन यूँ करके बैठा है, एक दिन यूँ करके बैठा है, लगा भाई गाने चला दे चल रहे हैं, आएंगे सर तो कर लेंगे हम, वो चीज़ नहीं। मैं रियल बताऊँ, जब भी मैं सीखता हूँ, अभी मैं क्यों सीख रहा हूँ, मैं अभी इसके बाद मेरे पास बीसी खत्म हो गया, टैली मेरा खत्म हो गया, एक्सेल मुझे एडवांस आता है, वर्ड और मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर लिए, मैं एक नया सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ एसक्यूएल जो डाटाबेस को बनाता है। क्यों सीख रहा हूँ मैं, कुछ दिन और क्यों सीख रहा हूँ, ऑफिस में एक आवर ही मिलता है ना उसमें लगा देता हूँ। आज मैंने 10 क्वेरी सीखी उसके अंदर, क्यों सीखी, मुझे आगे बढ़ना है, और ये नहीं कि बस कर ली हो गया, उसके अंदर एक एक वर्ड सीखा कि इसका मतलब क्या है। जब आप मतलब सीख के सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। आपको पता है रिसीव है खत्म, रिसीव मतलब पैसा आना है खत्म, अब डीसी कुछ नहीं पता। हाँ भाई इधर आ जाओ, पानी मुझे प्यास लगी था, खड़े हो जाओ फटाफट, तुम्हें जब भी पानी पीना होता है जब भी पानी चले जाता हूँ। क्लियर, आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? तो इस आज से एक मेन मोटिव बना लो कि जब हो गई उसकी रिवीजन करो, टॉपिक को ऑप्शन को खोल खोल के देखो तो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, तभी आप अच्छी तरह काम कर पाओगे। बीजी से काम चलने वाला नहीं, आपको और नॉलेज होनी चाहिए इसके, डीप नॉलेज होनी चाहिए कि इसके हेलमेट में होगी। क्लियर है? रिसीव के बाद रिसीव और पेमेंट में किसको डाउट रहे मान, आप में से किसको डाउट है रिसीव और पेमेंट है? अब आता है जनरल, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक, इसमें एक टॉपिक और होता है जो पेमेंट इसी में बहुत यूज होता है, जिसका नाम है POS। क्या नाम है? सॉरी POD है। क्या नाम है? POD, जिसको बोलते हैं पोस्ट डेट, पोस्ट ऑफ डेट, हाँ PDC, पोस्ट डेट चेक, क्या बोलते हैं PDC। जैसे चेक तो आज दिया है पार्टी ने, लेकिन बोला जानना 10 दिन बाद मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ, आप किसी ऑफिस में जाते हो उसने चेक तो आज काट के दिए लेकिन बोला 10 तारीख से पहले भाई एंट्री नहीं करनी, तो उस समय क्या करेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन के अंदर जाके अकाउंट्स के अंदर हमारे पास मिलता है जिसका नाम होता है पोस्ट डेट चेक इन पेमेंट रिसीव। इसके कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ अंदर ना, हम फिर आगे चलते हैं। हाँ तो F3 से बनाओ, उसके आगे प्राइस डाल दे, ठीक है, तो F3 करके नया बनाओ, उसके आगे डॉट डाल देना, हाँ क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक देखो, मैंने कहा कि दीपक को मैंने पेमेंट दी है 1 तारीख को, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई पेमेंट 10 तारीख को करियो, कब करियो 10 तारीख, तो मैंने यहाँ पर 1 तारीख डाली। अभी आगे PDC, एक होता है रेगुलर कि चेक आज दे दो कल डाल दो, किस में जाएगा रेगुलर, एक होता है PDC चेक कि चेक आज दे लेकिन डालना कब है उसको 10 दिन बाद, किसको दीपक को, कितने का 65,000 रुपये का, और ये डेट हम उसको बता देंगे जो वो डालेगा, उसने हमें बता, हमने बोला ना उसको, हमने किससे दी बैंक से, और हमने इसको सेव, हाँ क्लियर हो गया। अब मैं ओल्ड प्लस एल करके दीपक का लेजर देखूंगा, ओल्ड एल करके, तो यहाँ पर देखिए दीपक के लेजर है, मुझे वो एंट्री शो ही नहीं होगी, कोई एंट्री कहीं शो, एडजस्टमेंट मुझे पेमेंट तो करिए, मेरा कैश तो कम हुआ होगा भाई,
कैश तो कम हुआ होगा, एंट्री क्यों नहीं, एंट्री इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने यहाँ पर पीडीएस टॉपिक को अनेबल नहीं करा। अनेबल करने के बाद ही बता रहा है कि अभी पीडीएस की हमारी एंट्री पास नहीं हुई। हमने तो करी है, बैंक ने क्या पास कर दी? नहीं करी ना, इसको कैसे पास करेंगे सर? इस टॉपिक को डिसेबल कर दूंगा तो दिखेगा ही नहीं। इस टॉपिक को एंट्री को हमें 10 दिन बाद सेल्फ पास भी करना है, तो पास करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? तो पास करने के लिए हम आएंगे मिसलेनियस डाटा एंट्री। कहाँ जाएंगे हम लोग? मिसलेनियस डाटा एंट्री पे आएंगे, देन मिलेगा हमें रेगुलराइज पीडीसी एंड देन वन बैंक ऑल बैंक और पीएनबी। ठीक है, हमने बोला बैंक पास हो गया, देन इस पर क्लिक करेंगे एंड रेगुलराइज करेंगे तो हमारा पीडीएस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब लेकिन अब मेरे पास चार बैंक अकाउंट है, एक SBI, एक कोटक महिंद्रा, एक विजय, एक देना बैंक, चार पांच बैंक है मेरे पास। अब टैक्स तो मैंने उसको दे दी, मतलब मेरे पास एक पार्टी ने मुझे पेमेंट दी, मेरे पास चार है, मुझे जब जब होता है मैं उसमें डाल देता हूँ जिससे मेरा बैलेंस कम होता है। लेकिन अब मैं यहाँ एंट्री दिखाऊँ दिखाऊँ किसकी? एंट्री दिखानी तो पड़ेगी मुझे। तो जब भी आप ऐसे होता है, आपके ऐसी सिचुएशन क्रिएट आए, तो उस समय आप लोग क्या करोगे? जब आप उस समय ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? तो उससे बचने के लिए आप यहाँ पर एक और टॉपिक बनाओगे जिसका नाम रखोगे आप चेक इन, कि चेक मेरे हाथ में भी है एंड देन इसको हम सेव करें। जब मैंने बोला 20 दिन जब ये पास हो जाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करूँगा? ठीक है, ठीक है, जब 20 दिन इसकी एंट्री होगी तो किस अकाउंट में चली जाएगी? वो पीएनबी या जो भी मेरा बैंक हो। लेकिन अब मुझे ये एंट्री को यहाँ से कन्वर्ट नहीं करना, क्या करना? इस एंट्री को यहाँ से कन्वर्ट नहीं करना। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? मिसलेनियस के अंदर आएंगे, रेगुलराइज के अंदर जाएंगे, देन बोलेंगे पीडीएस वन बैंक और हमने बोल दिया चेक इन एंट्री। क्लियर, और हमने बोला ये जो चेक पास हुआ है इस एंट्री को किस में कन्वर्ट कर दो? पीएनबी में। तो हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक को अनेबल करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि एंट्री को किस में कन्वर्ट करना है? इसको पंजाब बैंक। क्लियर, दिक्कत? अगर मैं इस एंट्री को तुम्हें दिखाऊं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, एंट्री मारी कब थी मैंने? 10 तारीख को। और पीडीसी चेक कब का था? कब का चेक था? मैं जैसे ही एंट्री करूंगा तो ये 10 वाली एंट्री ओवर राइड होकर किस में हो जाएगी? 20 तारीख। जब ऐसी प्रॉब्लम 20 हो जाएगी ना, अगर मैं ओल्ड प्लस एल करूँ, किसको दी थी पेमेंट दीपक? किसको दी थी पेमेंट? जेड को दी, जेड नाम डाला, दी कब थी? 10 तारीख को। तो यहाँ शो तो हो रही है 10 तारीख को, हो रही है। अगर एंट्री कब कन्वर्ट होनी है? 20 तारीख को। लेकिन इनका कि मुझे इस एंट्री को कन्वर्ट ही नहीं करना, ये यहाँ पर 10 ही रहे। क्या रहे? 10। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा ना राजू, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ से पहले पीएनबी में चला जाएगा, उसको टॉपिक को ऐसे करूंगा, तो पता है इसे करने से क्या बेनिफिट हो, क्या नुकसान है हमारा? कि 20 तारीख को क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेगुलराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलराइज हो जाएगा। मतलब 20 तारीख को जेड के अकाउंट में पीएनबी की एंट्री आ गई, और ये जो 10 आई हुई डेट क्या हो गई? ओवरराइड हो गई। कितनी हो गई? 20 हो गई ना। चेक डाला कब था? तो यहाँ 10 दिखनी चाहिए थी ना, तो इसी डेट को उठा के यहाँ डाल दिया। जब ऐसी प्रॉब्लम हो तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप इस टॉपिक को डिसेबल रखेंगे, इस टॉपिक को आप अनेबल कर देंगे, जिससे आपकी 10 तारीख वाली डेट ओवरराइड नहीं होगी। एग्जांपल करके दिखाता हूँ, आप लोगों को ऐसा समझ में नहीं आएगा, आप लोग थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों के साथ, समझ में नहीं आया। दोबारा समझिए, देखो मुझसे एक बार यहाँ खड़े हो, 15 लोग पूछोगे, 15 को एक एक बार बता दूंगा, लेकिन टॉपिक फिनिश होते ही तभी। अब देख होता क्या है कि जब हम लोग आगे काम करते हैं, कच्चे में पक्के में करें, तो पेमेंट आज नहीं मिलती हम लोगों को, कि आज हम लोग गए तो हमें पेमेंट मिल गई। जैसे अब मैं रहमान से मेरी ट्रांजेक्शन होती है, इसके पास गए, मैंने कहा भाई पैसे दे दे, इसने कहा सर आज तो पैसा नहीं है, आज चले जाओ, आज आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं चला गया, इसने बुलाया कि इधर आओ, मैंने कहा जी सर, कह रहा चेक आज ले जाओ, डालना 10 दिन बाद, पेमेंट तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। डालना कब? 10 दिन बाद डालना। इसको हम क्या बोलते हैं? पीडीसी चेक, जिसको बोलते हैं पोस्ट डेट चेक। समझ में आ गया टॉपिक? इस टॉपिक को अनेबल करने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? फीचर ऑप्शन के अंदर गए थे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गए थे, नेट पानी बल गया अकाउंट्स के अंदर। किस टॉपिक को अनेबल करा था? पोस्ट डेट चेक इन पेमेंट रिसीव टॉपिक को अनेबल करा था। अनेबल हो गया मेरा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को अनेबल करने के बाद इधर खड़े हो जाना,
मुझे एक पार्टी से रिसीव आई, कब आई रिसीव आई कब, उसने दी मुझे 10 तारीख को, लेकिन उसने बोला भाई सुन ले डालना कब है 20 तारीख को, अगर डाल दिया 10 तारीख या 11 तारीख में पैसा कट जाएगा मेरे अकाउंट से, मैं आपसे ले लूँगा पैसा, 200 कटेगा 400 आपसे लूँगा, सामने वाला वैसे ही डालेगा। तो उसने बोला चल भाई PDC कर देते, कब एंट्री डालनी है बैंक में 20 तारीख, इसने दी, मैंने बोला भाई जैड ने दी, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया PNB में आगे मैंने सेव कर दिया, ठीक है आगे। जब मैंने जेड का ओल्ड प्लस एल करके जेड का लेजर चेक करा तो क्या जेड के लेजर में मुझे वो एंट्री दिखी, नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि वो एंट्री अभी पास ही नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को अनेबल कर दूँ तो एंट्री शो तो हो जाएगी दीपक, मुझे एंट्री शो तो हो जाएगी लेकिन अभी पास नहीं हुई। इसको पास करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इसको पास करने के लिए हम आएंगे मिसलेनियस के अंदर, और यहाँ मिलता है रेगुलराइज PDC, क्या मिलता है रेगुलराइज PDC पे जाएंगे, एंड देन वन अकाउंट, एंड देन इसको PNB को हम सिलेक्ट करेंगे। हमने बोला इस एंट्री को कन्वर्ट कर दो, 20 वाली एंट्री को किसमें, 10 को मारी, 20 को मारी थी ना इस एंट्री को, 10 को मारी थी 20 में कन्वर्ट करें ना, इसको क्लिक कर दो, और मैंने जैसे इसको ओके करा तो ये क्या हो गई एंट्री पास हो गई, पास हो गई। देन जब मैं ओल्ड प्लस एल से क्या होता है एक क्वालिटी का लेजर आता है, तो मैंने यहाँ पर ओल्ड प्लस एल करा और जेड का लेजर देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एंट्री आ गई, 20 तारीख आ गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम दो हो गई, प्रॉब्लम दो हो गई। पहली प्रॉब्लम समझते हैं कि हमने 10 तारीख को एंट्री करी थी, इसने 10 तारीख को ओवरराइड करके क्या कर दिया, इसने 20 तारीख कर दी। मैंने कहा मेरी जो ये वाली डेट है इसको ओवरराइड ना करे, इस डेट को ओवरराइड ना करा करे, तो उसके लिए नेक्स्ट एंट्री देखिए 10 तारीख PDC 20 तारीख, ठीक है। मैंने क्या लिखा जेड 10 1 लाख रुपए, एंड देन PNB, इसको मैंने टॉपिक को सेव करा, हो गया कोई प्रॉब्लम। देन मैं कहाँ गया मिसलेनियस के अंदर, रेगुलराइज के अंदर, वन अकाउंट, एंड देन PNB, क्लियर हो गया। और मैंने इसको करना है, इसको क्लिक करा, एंड देन मैंने इसको रिटर्न PDC पे क्लिक करा। इसे करने से पता क्या हुआ कि हमारी डेट अब वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। देन इसको एक मिनट देख, थोड़ा सा PDC रेट रिटर्न करनी थी वो वाले टॉप है, नहीं गलत हो गया ना, देख दूसरे वाले पे क्लिक कर दे, पहले वाले पे, ठीक है समझ आ गया, पहले वाले पे करना है। किस पे करना है अक्षय, पहले वाले पे कि रिटर्न PDC डेट, ठीक है, जो PDC की एंट्री जिस वक्त करी थी वो, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन आ गया, दूसरा होता है कि मेरे पास 5 अकाउंट है बैंक के, पेमेंट अब मुझे पता नहीं कौन से अकाउंट में डालूंगा, चेक तो मैंने उससे ले लिया लेकिन डालूंगा कब, कौन से अकाउंट में ये मुझे नहीं पता, तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं रिसीव में आएंगे, और उसकी एंट्री तो हम करेंगे, लेकिन लेकिन करने के साथ साथ हम यहाँ पर एंट्री कब पास करनी है 12 तारीख को। मैंने जेड लिया 5 लाख रुपए, एंड देन मैंने बोला चेक इन एंड, क्या बोल दिया मैंने कि मेरे पास अभी पैसा हाथ में मैंने किसी अकाउंट में डाला नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा 20 दिन जब 20 तारीख को पास होगी इसको किस अकाउंट में कन्वर्ट करना है PNB, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे मिसलेनियस के अंदर आएंगे, PDC के अंदर वन अकाउंट, एंड देन PNB को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन सिलेक्ट बैंक टू रिसीव। जैसे मैं इसको करूंगा ये कन्वर्ट क्या करेगा, चेक को रिप्लेस कर देगा और किसके ले लेगा बैंक ले लेगा, क्लियर हो गया PNB, ओके। देन ये आपकी रिसीव और पेमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक थे मैंने आज बताया। अब आती है जर्नल, भाई जिसका कोई नहीं होता उसका अकाउंट्स में जर्नल होता है, ये आप इस चीज की समझ जाओ कर लो, बस आपको जिसका डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया ना उसको अकाउंटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कौन ट्रिगर इसको करते हैं, जब बैंक और कैश वर्ड साथ आए, पार्टी जुड़ गई, पार्टी का नाम आ गया, NFT RTGS कुछ भी ऐसे वर्ड आ गए, तो उसके लिए क्या मानेंगे पेमेंट या रिसीव,